नमस्कार। जानी मानी अदाकारा संभावना सेठ इस वक्त बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस के पिता का निधन हुआ है। 8 मई को संभावना सेठ के पिता को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अफसोस उनके पिता को बचाया नहीं जा सका। इससे पहले संभावना के पिता कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। पिता की मौत का सदमा झेल रही संभावना का कहना है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से उनके पिता की जान गई है। संभावना सेठ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो भी साझा किया, जिसमें वो परेशान दिखाई दे रही हैं। संभावना का कहना है कि उनके पिता पर मेडिकल स्टाफ ने सही से ध्यान नहीं दिया। इस वीडियो में संभावना अस्पताल की नर्स की लापरवाही को उजागर कर रही है। संभावना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, साथ ही साथ अस्पताल पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है। कैप्शन में संभावना ने लिखा, उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। जैसा कि कहते हैं, दुनिया केवल ब्लैक या व्हाइट नहीं है, उसी तरह हर डॉक्टर भगवान की तरह नहीं है। उनमें से कुछ सफेद कोट पहने बुरे लोग हैं जो हमारे चहेतों को मार रहे हैं। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के 2 घंटे बाद मेरे पिता का निधन हो गया। मुझे कहना चाहिए कि ये मेडिकली हत्या थी। मेरे पिता को खोना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था, जिसका मैंने सामना किया। संभावना ने आगे लिखा, जैसा कि मेरे पिता ने सिखाया, अब मैं निडर होकर सच के लिए लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। इन बड़े लोगों को शायद मैं हरा सकूं या नहीं भी, लेकिन निश्चित रूप से मैं उनका असली चेहरा सभी को दिखाऊंगी। मैं बस अपने पिता के लिए सभी रस्में पूरी करने का इंतजार कर रही थी। अब मुझे इस लड़ाई में आपके समर्थन की जरूरत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप में से हर कोई जो इस मुश्किल घड़ी में अस्पताल गया है, उसे इस तरह की चिकित्सीय लापरवाही का सामना करना पड़ा है, लेकिन कई वजहों से वो इससे लड़ नहीं पाए। इस वीडियो को हैशटैग के साथ शेयर कर अब हम सब एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। फिलहाल संभावना अस्पताल के खिलाफ लीगल कार्रवाई करने जा रही हैं और इसके लिए उन्होंने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, देश के बड़े बड़े अस्पतालों का क्या हाल है। सोचने का विषय यह भी है कि जब बड़े बड़े सेलेब्स के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, तो फिर आम आदमी को तो बख्शा ही नहीं जाता होगा। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।